हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज है सैटरडे 4th ऑफ सितंबर। अभी बज चुके हैं दोपहर के 1। तो आई गॉट फ्री अभी थोड़ा, आई एम डन फॉर द डे फ्रॉम हॉस्पिटल में। अभी आई एम गोइंग कुछ सामान लेना है मार्केट से, देन वी गोइंग होम, कुछ ऑर्डर किया खाने को। मतलब इतना बोरिंग हो रखा है ना, आई कॉन्ट इवन टेल यू कितना बोरिंग हो रखा है यार। लेट्स एंजॉय दिस व्लॉग टुगेदर एंड आई विल शो यू सम chaotic streets of Jodhpur, क्योंकि construction चल रहा है। एम्स के बाहर इतना chaos हो जाता है that even sometimes ambulance can't even pass. I can't even like describe the condition. कई बार ऐसा होता है ambulance वाले siren बजा रहे हैं, horn बजा रहे हैं, लोग जगह नहीं दे रहे। Just look, ये एम्स की एंट्री है ऐसी, इतना ट्रैफिक यहाँ पर, रोड कंस्ट्रक्शन चल रही है। देखिए डू इट ओवर नाइट, 100-200 मीटर का स्ट्रेच है, एक हफ्ते 10 दिन से लटका रखा है। एंड ये सुबह 9 बजे इतना जाम लग जाता है कि 200 मीटर के स्ट्रेच को क्रॉस करने के लिए ना 20 मिनट लग जाते हैं। ये देखो, ये एम्स का इमरजेंसी का गेट है, दिस गेट। एंड यहाँ पर इतना जाम है कि निकल नहीं सकता, मैं कार नहीं निकाल पा रहा यहाँ पर। जस्ट इमेजिन एम्बुलेंस कैसे निकल सकेगी यहाँ से। ये देखो 90 डिग्रीज का कट एज पर ट्रैफिक रूल्स अलाउड होता है। ये देखो, ये भाई साहब कहाँ से जा रहे हैं, अभी देखना इधर जाएंगे। जोधपुर में ही नहीं समझाता मुझे, डायगनल क्यों चलाते हैं लोग, तिरछे है क्या दिमाग से? सीरियसली, डोंट माइंड बट सीरियसली, आई डोंट अंडरस्टैंड दैट। इनको लाइसेंस किसने दिया यार, पहली बात तो। आई केम टू जोधपुर में सरदारपुरा साइड, यहाँ पर मतलब नाले ओवरफ्लो कर रहे हैं सड़क पे। आई अटैच टू क्लिप्स, फोटो नहीं वीडियो नहीं बना पाया बिकॉज थोड़ा टर्न्स वगैरह थे एंड रोड्स कंजेस्टेड हैं, तो एक दो फोटो खींची हैं। आई अटैच दैट, मतलब ओवरफ्लो कर रहे हैं भाई नाले। किसी को स्विमिंग करनी है तो आ जाओ या नालों में। तो दिस इज शास्त्री सर्कल, इवनिंग में तो यहाँ चलने की जगह नहीं मिलती भैया। तो यहाँ पर लोग, अगर आपको दिख रहे मुझे कुछ नमूने, क्योंकि राउंड अबाउट पर रॉन्ग वे आते हैं भैया, कमी नहीं है जोधपुर में ऐसे लोगों की। ट्रैफिक सेंस के नाम पर ना देना नहीं है यार यहाँ। देखो देखो, ऑटो आ रहा है ना, ऑटो आ रहा है, बाइक आ रही है, रॉन्ग वे आ रहे हैं, बहुत आएंगे ऐसे। एंड आई एम गोइंग टू फ्रेशन ग्रीन, छोटा मोटा सामान लेना के लिए। एंड चलेंगे, देखो दो मारुति आ रहे हैं, ऐसे बहुत मारुति मिल जाएंगे आप। सो आई एम बैक, कुछ सामान लेना था, शूट नहीं कर पाया वहाँ पर, भूल गया था, बस आदत नहीं रही यार, अब थोड़ा छूट चुका है ब्लॉगिंग बीच में। एंड मैं घर पहुँच चुका हूँ। तो देखो, खाना पनीर दो प्याज़ा, साथ में चटनी वाले प्याज, चपाती एंड दही, आइसक्रीम। और आपको नहीं खिलाएंगे, आपको हम चढ़ाएंगे सिर्फ अमूल चॉको चिप आइसक्रीम। देखो आइसक्रीम के अंदर स्पून, मस्त है ना। अभी बज चुके हैं शाम के 7 एंड आई जस्ट वोक अप थोड़ी देर पहले। अभी इतनी नींद आ रही थी यार, क्या बताऊँ, आज स्लेप्ट लेट, अराउंड 4 PM, 6 बजे उठाऊँ। अभी आई एम जस्ट गोना हैव समथिंग एंड देन वी गो फॉर अ शॉर्ट वॉक, या फिर उसके बाद करेंगे रूम की सफाई। सो आई बॉट दिस, कहाँ गया, ये रहा इलायची वाला दूध, अमूल कूल इलायची फ्लेवर, सो आई एम जस्ट गोना हैव इट। वाओ, मतलब सच में इलायची का टेस्ट है, जिस नाम लिख रखा हो, टेस्टी है यार। तो अभी मैंने सोचा रूम की सफाई करते हैं बाद में, पहले कर लेते हैं थोड़ी वॉक। वॉक करके रूम की सफाई करेंगे, बर्तन करेंगे, उसके बाद शार लेंगे। तो अभी वॉक करी जा रही है एंड अभी आपको दिखाता हूँ नज़ारा शास्त्री नगर का, जहाँ पर मैं रहता हूँ। इट्स अ नाइस प्लेस, नाइस घर, नाइस प्लेस, चेक द व्यू। देखो पार्क है, पार्क में मंदिर बना हुआ है एंड पार्क में वो भी है, ओपन एयर जिम भी है। एंड ये खड़ी हैं सारी की सारी कार्स आउटसाइड, कार यहाँ पर बाहर अनलॉक भी रह जाए तो भी कोई टेंशन नहीं है भाई, सीरियसली कोई टेंशन नहीं है। और अभी मन कर रहा था मेरा कच्ची लस्सी बनाने का। मेनी ऑफ यू माइट नॉट बी नोइंग कच्ची लस्सी क्या होती है। दिस इज बेसिकली रोज़ा, बिट ऑफ मिल्क एंड बाकी इसमें डलता है
पानी वो भी निकालते हैं फ्रिज में से पानी। उसमें दूध डाल लिया, रोज़ा में डालते हैं पानी। तो अब हो चुका है संडे, लाइक ये वीकेंड व्लॉग था तो सैटरडे संडे दोनों का एक साथ है। अब हो चुका है संडे, आज है 5th of September यानी कि टीचर्स डे। सबसे पहले जितने भी टीचर्स हैं मेरी लाइफ के या सबकी लाइफ के, उनको वेरी हैप्पी टीचर्स डे। एंड बिकॉज टीचर्स आर द वंस जिनकी वजह से आज हम जो भी हैं हम हैं, सो वी शुड नेवर फॉरगेट टू थैंक देम। हैप्पी टीचर्स डे टू ईच एंड एवरी टीचर ऑफ माई लाइफ। सो ये देखो भाई साहब, सुबह के बर्तन है, ब्रेकफास्ट के चाय के धोने हैं, बिकॉज आई नीड द फ्राइंग पैन, बाकी तो काम चल जाता। बट उससे पहले जो ये सूखे हुए बर्तन है इनको अपनी जगह पे सेट कर दिया जाए। ये देखो बर्तन धुल चुके हैं एंड एज आई सेड आई नीड द फ्राइंग पैन, बिकॉज कल मैंने कुछ खाना मंगवाया था बाहर से, सो उससे बच गया था, टाइम टू हीट इट अप एंड लेट्स हैव द लंच। सो यहाँ चल रहा है खाना और यहाँ चल रहा है स्पेशल ऑफ। तो अभी बज चुके हैं शाम के 5:30 एंड मेरे को जाना था सुबह में गुरुद्वारा साहिब। यूजुअली मैं जाता हूँ डेली सुबह में, बट कभी कभार सुबह नहीं जा पाता तो इवनिंग में आई मेक श्योर दैट आई डू गो ओवर देयर। तो अभी जा रहा हूँ गुरुद्वारा साहिब एंड आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, बाय आइसक्रीम। चलो चल गाइस, बात ऐसी है कि आई ट्राई टू बाय सम चीज़ें हॉकर्स वगैरह से, आइसक्रीम वगैरह होगी, बिकॉज आप शोरूम से लेते हो उनका तो बहुत प्रॉफिट होता है, बट ये बेचारे दे जस्ट रनिंग फॉर देयर ब्रेड एंड बटर खाने के लिए। तो वी जस्ट बॉट दिस आइसक्रीम, जाके खाऊंगा एज वेल एज दिस किचन, वो किचन चाहिए भी था एंड एक छोटी बच्ची बेच रही थी, रो रही थी ले लो भैया, सो आई बॉट इट। यूजली आई डोंट बाय ऐसे एक्स्ट्रा चीज़ें, बट चाहिए भी था मुझे किचन तो मैंने सोचा ले लेते हैं। सो हियर इज माय आइसक्रीम, ये है चॉकलेट एंड वनीला विद चोकोनट्स, लेट्स ट्राई इट आउट। सो हियर इट इज, लेट्स ट्राई इट आउट। टेस्टी, एक्चुअली आई लाइक वनीला, वनीला के साथ कुछ भी मुझे अच्छा लगता है, सो दैट्स व्हाई वनीला चॉकलेट सुपर। सो फाइनली गाइज आई एम बैक एंड अभी करते हैं घर पे बात या फिर थोड़ी सी पढ़ाई, लेट्स सी क्या प्लान आउट करते हैं। बट उससे पहले आई विल शो यू मैंने किचन क्यों लिया। कार के किचन में 4 चाबियां और लगी हुई हैं, मेरे को अच्छा नहीं लगता कार के किचन में कुछ ज़्यादा लगी हुई हो, सो आई एम गोना पुट ऑल दिस फॉर द न्यू किचन एंड रिमोट और कार की चाबी बस एक साथ रहेगी। सो इट इज, सारी की सारी चाबियां इसमें डाल दी हैं, मेरा कार के रिमोट के साथ सिर्फ चाबी रहेगी। सो अभी इट्स अ टाइम टू क्लीन द कार, वैसे आधी साफ़ कर चुका हूँ, आधी करनी है। यू कैन सी ये वाली साइड साफ हो चुकी है, वेयर एज ये देखो ये सारा भी गंदा है, अभी इसको क्लीन करना है। सो हेल्प मी टू क्लीन द कार। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, अब हो चुका है मंडे। सो कल कुछ खास नहीं किया, उसके बाद जस्ट मिशन ऑप्स देखा एंड देन आई स्लेप्ट। सो दैट वाज ऑल फॉर माय वीकेंड व्लॉग, आई होप यू लाइक्ड इट। डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड कमेंट करके जरूर बताना व्हाट एल्स वुड लाइक मी टू डू ऑन वीकेंड व्हिच आई वुड लाइक टू व्हिच यू वुड लाइक टू एंजॉय इफ आई शूट दैट। टेक केयर, बाय बाय।